Hello, friends, welcome back to SA Academy. So, here I am with the continuation of my topic marriage, and today we will study about forms of marriage. So, before starting the lecture, I would like to request you all to subscribe my channel, like my video, and comment below your suggestions. And please don't forget to press that bell icon so that you can get updates about my upcoming videos. So, forms of marriage. world <laughs> ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे लोग मैरिज की सेरेमनीज़ अलग अलग परफॉर्म करते हैं सबके अलग अलग राइट्स अलग अलग रिचुअल्स सबकी परफॉर्मेंसेस मैरिज को लेकर के अलग होती हैं वैदिक पीरियड से ही स्टार्टिंग से ही मैरिज को यहाँ पर एक सैक्रेड यूनियन माना गया है इफ़ वी कंसिडर अबाउट आर हिंदू माइथोलॉजी तो यहाँ पे मैरिज एक सैक्रेड यूनियन है जहाँ पे वाइफ को जो है वो ऑनर की पोजीशन दी जाती है घर की गृहिणी कहा जाता है और पॉलीगेमी को रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है लेटर ऑन कुछ स्टेजेस में हमने ये भी देखा कि सब जगह कुछ कुछ पार्ट्स में पॉली को भी रिकग्नाइजेशन दी गई सब कुछ जगह पे पॉलीएंड्री भी प्रिवेल करी जहाँ पे फीमेल के पास भी ये राइट्स थे कि वो मल्टीपल मैरिज एक से ज़्यादा मेल्स uh, के साथ शादी कर सकती हैं तो ये कुछ कुछ पार्ट्स तक ही कन्फाइंड था सब जगह ये एप्लीकेबल नहीं हुआ अब एंशंट हिंदू लॉ में हम देखते आ रहे हैं दैट वी हैव सम फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास एट फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस सो नाउ विल स्टडी अबाउट दीज फॉर्म्स इनमें से ये मनुस्मृति से हमें ये फॉर्म्स मिले हैं एंड अकॉर्डिंग टू मनु दीज फॉर्म्स आर कैटेगराइज इंटू टू अप्रूव्ड फॉर्म्स एंड अनअप्रूव्ड फॉर्म्स जो अप्रूव्ड फॉर्म्स हैं उनमें है ब्रह्मा देवा अर्शा एंड प्रजापत्या मैरिज अनअप्रूव्ड फॉर्म्स में है असुरा गधर्वा राक्षसा एंड पैशाचा मैरिज अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं जो ब्रह्मा मैरिज होती है इसे बेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज कंसिडर किया जाता है प्योरेस्ट फॉर्म बोला जाता है और अबव डिवाइन बोला जाता है ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें फादर वॉलेंट्रिली इनवाइट करता है ब्राइड ग्रूम को और ऐसे इंसान को अपनी बेटी के लिए चूज़ करता है जिसको वेदास की कम्प्लीट नॉलेज होती है और हाइएस्ट कास्ट में अपनी बेटी की शादी करना चाहता है इसे एक्सेलेंट मैरिज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी तरीके की कोई कंसिडरेशन नहीं होती सिंगल क्लोथ में लड़की को ले जाते हैं लड़के वाले ये हिंदू शास्त्रा के अकॉर्डिंगली हाइएस्ट फॉर्म मानी जाती है जस्ट बिकॉज यहाँ कोई डाउरी नहीं है सिंगल पेनी भी नहीं ली जाती फ्रॉम बोथ दी साइड्स दोनों तरफ से कुछ ऐसी पैसों का लेन नहीं होता है नॉर्मल प्रोसीजर से ये शादी की जाती है नेक्स्ट इज़ देवा फॉर्म ऑफ मैरिज ये ब्रह्मा मैरिज से लोअर कंसिडर की जाती है क्योंकि इसमें गिफ्ट और सेक्रीफाइज़ का लेन देन होता है जैसे इसमें जो फादर होता है वो नॉर्मली अपनी बेटी के लिए किसी ब्राइड ग्रूम की सुटेबल पर्सन की तलाश में होता है अगर वो ढूंढते ढूंढते उन्हें ऐसा लगता है कि नो आई एम नॉट एबल टू फाइंड फाइन सुटेबल फॉर माई डॉटर तो वो अपनी बेटी की शादी किसी प्रीस्ट से करने की का डिसीजन लेते हैं जो ऑफिशियली प्रीस्ट होता है उससे शादी की जाती है इसीलिए इसे लेस फॉर्म ऑफ मैरिज माना जाता है लेस प्योर फॉर्म क्योंकि इसमें जो फादर है वो प्रीस्ट की कुछ सर्विसेज लेता है तो इसीलिए उन सर्विसेज के होने की वजह से इसे लेस प्योर फॉर्म माना जाता है एज कंपेयर टू ब्रह्मा फॉर्म ऑफ मैरिज देन देयर इज़ अर्शा फॉर्म ऑफ मैरिज इसमें जो ब्राइड ग्रूम होता है वो लड़की की फैमिली को उसके फादर को कुछ प्रेजेंट देता है कुछ नहीं जैसे कि गाय बुल एक गाय या एक बुल या फिर दो गायें दो बुल इस तरीके से वो लड़की के फादर को ये गिफ्ट देता है इन रिटर्न ऑफ ब्राइड तो यहाँ पे ये जो गिफ्ट है ये बेसिकली रिलीजियस पर्पस के लिए ही है बट स्टिल क्योंकि गिफ्ट का लेन देन है तो इस मैरिज को भी आइडियल फॉर्म नहीं समझा जाता नेक्स्ट इज़ प्रजापत्या फॉर्म ऑफ मैरिज इस मैरिज में क्या होता है क्योंकि uh, इसको तीनों के कंपैरेटिवली ब्रह्मा देवा और अर्षा इन तीनों के कंपैरेटिवली इसे लेसर लोएस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज समझा जाता है ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसमें फादर जो है वो मैरिज से पहले दोनों के लिए कुछ कंडीशंस रख देता है दो वो कंडीशन रिलीजियस या सिविल तरीके की होती हैं जैसे कि आपको अपनी आगे मतलब शादी के बाद आपको अपनी रिलीजियस ड्यूटीज़ इकट्ठे निभानी हैं आपको कोई भी सिविल ड्यूटी होगी तो वो इकट्ठे निभानी है या आप दोनों को पेरेंट्स बनना है इसी तरीके की ड्यूटीज़ होती हैं बट स्टिल क्योंकि ऐसी कंडीशंस रख दी जाती हैं तो ऐसा समझा जाता है कि ये मैरिज इन्फीरियर फॉर्म की है और ऐसा भी समझा जाता है कि यह कंडीशंस रखने की वजह से जो फादर है वो अपनी डॉटर की उस शादी में रिस्पेक्ट और डिग्निटी को गिराता है इस शादी में प्रजापतिया फॉर्म में कोई रिचुअल्स फॉलो नहीं होते सिर्फ़ पानी ग्रहण का रिचुअल फॉलो किया जाता है अभी हम रिचुअल्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इज़ असुरा फॉर्म ऑफ मैरिज ये अनप्रूव फॉर्म्स ऑफ मैरिज की लिस्ट में आते हैं असुरा फॉर्म ऑफ मैरिज में क्या होता है कि ब्राइड को पैसे दिए जाते हैं ब्राइड के फादर को पैसे दिए जाते हैं तो बेसिकली इसमें ब्राइड की सेल होती है ये उसके फादर के लिए एक पेक्यूनरी बेनिफिट की वजह से होता है जो दूल्हा होता है वो ब्राइड के फादर को कुछ पैसे देता है जनरली ये जो मैरिज होती है ये सेम वरना में और सेम स्टेटस में नहीं की जाती है नेक्स्ट इज़ गंधर्वा फॉर्म ऑफ मैरिज गंधर्वा फॉर्म ऑफ मैरिज को लव मैरिज भी कहा जाता है ये यंगस्टर्स में कॉमन होती है इसे वॉलेंटरी यूनियन कहा जाता है लड़का और लड़की की तो इसे सीक्रेट मैरिज भी कहा जाता है क्योंकि लव मैरिज है तो पेरेंट्स का कंसेंट इसमें नहीं होता है दोनों का अपना म्यूचुअल कंसेंट होता है जिसकी वजह से ये शादी होती है तो इसमें जो इसे अनअप्रूव्ड फॉर्म इसीलिए माना जाता है क्योंकि ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये जो शादी हो रही है दोनों की ये सेक्सुअल अट्रैक्शन या लस्ट की वजह से कर रहे हैं इसीलिए इसे लीस्ट अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज में काउंट किया जाता है देन इज़ राक्षसा फॉर्म ऑफ मैरिज राक्षसा में लड़की को ज़बरदस्ती ले जाते हैं और इनफैक्ट जो लड़के वाले की फैमिली होती है वो आते हैं लड़की को उठा कर ले जाते हैं जो लड़की के रिश्तेदार होते हैं वो जब लड़की को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसे भी मार देते हैं तो कोई कंसेंट नाम की चीज़ तो यहाँ पर है ही नहीं बस ये ज़बरदस्ती वाली शादी है इसीलिए इसे राक्षसा मैरिज का नाम दिया जाता है नेक्स्ट इज़ पेशाचा मैरिज इसमें ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ मैरिज कंसिडर की जाती है कंसेंट गर्ल्स का इसमें बिल्कुल नहीं होता है ये मैरिज को एक सॉर्ट ऑफ रेप भी कहा जाता है क्योंकि ये मैरिज तब करवाई जाती है ये तब परफॉर्म होती है जब जो ब्राइड होती है या तो वो सो रही होती है या फिर वो ड्रग्ड होती है या फिर वो इंटॉक्सिकेटेड होती है ऐसी कंडीशन में उसके साथ मैरिज करने के बहाने ये एक सॉर्ट ऑफ रेप कंसिडर किया जाता है इसीलिए ये बहुत ही लीस्ट कंसिडरेबल फॉर्म ऑफ मैरिज कही जाती है बट इफ़ यू टॉक अबाउट आर हिंदू लॉ एंशंट हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे पास तीन मैरिज़ हैं जिनको अप्रूव्ड या फिर आप ये कहो कि हमारे एंशेंट टाइम से ये बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है चलती आ रही हैं ब्रह्मा क्योंकि क्या होता है कि ये हाईएस्ट कास्ट में होती है नॉर्मल प्रोसीजर इसमें होता है फादर जो है वो किसी लड़के को चुनता है उसके बाद शादी करता है अपनी डॉटर का कन्यादान करता है तो ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर होता है तो एक ये अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज है सेकेंड इज इस गंधर्वा इसे लव मैरिज कहते हैं बट स्टिल एंशियट हिंदू टाइम्स से ये अप्रूव फॉर्म ऑफ मैरिज है एंड देन असुरा असुरा में भी जो ब्राइड uh, ग्रूम है ये एक सेल मैरिज होती है ब्राइड ग्रूम पैसे देता है ब्राइड uh, के बदले तो ये लोअर कास्ट में प्रिवेलिंग होती है हम देखें तो जो काफ़ी जो लोअर कास्ट होती हैं उनमें ये मैरिज काफ़ी हद तक आज भी प्रिवेलिंग है सो so जनरली जब हम मैरिज की बात करते हैं तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लड़का और लड़की सीक्रेटली मैरिज करते हैं पेरेंट्स की एब्सेंस होती है और जनरली ये उन केसेस में होता है जहाँ पे एक पार्टी हिंदू होती है और दूसरी हिंदू नहीं होती है तो जब ये पेरेंट्स की बिना पार्टिसिपेशन के ये मैरिज होती है तो इस तरीके की मैरिज को सिविल मैरिज कहा जाता है बहुत सारे हिंदूज़ जो हैं वो सबके अलग अलग कल्चर्स हैं सब अलग अलग शास्त्रिक वो सबका ये मानना ज़रूर है कि हम प्रॉपर शास्त्रिक ट्रेडिशनल मैरिज करें और सारी सेरेमनीज़ और सारे राइट्स को फॉलो करें बट सब जगह कहीं पे आप ये कह सकते हो कि रीजन्स के अकॉर्डिंगली और कहीं पे ये कह सकते हो कि सबकी मान्यताओं के अकॉर्डिंगली सबके जो फॉलो करने के तरीके हैं वो अलग अलग हैं सो हेयर वी हैव एन इम्पॉर्टेंट केस लॉ एंड आर केस लॉ इज़ पुरुषोत्तम दास वर्सेज पुरुषोत्तम दास इसे आप बेट्रोथल केस भी कह सकते हो बेट्रोथल का मतलब होता है सगाई या फिर कॉन्ट्रैक्ट इस केस में क्या हुआ था कि जो प्लेन्टिव की मदर थी और जो डिफेंडेंट के फादर थे उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दोनों बच्चों की मैरिज को लेकर के तो ये जो मैरिज थी बाद में डिफेंडेंट डिफेंडेंट लड़की थी तो उसने बाद में रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं ये शादी नहीं करूँगी जब ये डिसाइड हुआ था तो दोनों लड़का और लड़की माइनर थे तो इसीलिए बाद में डिफेंडेंट ने इससे सेटबैक कर लिया और उसने बोला कि मैं तो ये शादी नहीं करना चाहती तो प्लेन्टिव की साइड से ये क्लेम किया गया कि हमारे आप सारे वो डैमेज़ के आप हमें पे कीजिए क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है आपने तोड़ा है और हमने तो बेट्रॉथल की सेरेमनी करी थी सगाई हुई थी गिफ्ट्स भी एक्सचेंज हुए थे तो हमारे काफ़ी पैसे इसमें खर्च हुए हैं तो उन्होंने ये क्लेम किया था कि आप हमें ये सारे पैसे जो है हमारे एज़ अ कॉम्पनसेशन हमारे डैमेजेस चुकाएं और वापस दें सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेसेसरी सेरेमनीज़ जो हमारी मैरिज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं द फर्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कन्यादान कन्यादान में क्या होता है कि जो फादर है वो ब्राइड को गिफ्ट कर देता है अपनी बेटी को गिफ्ट दे देता है ब्राइड ग्रूम को अपनी बेटी का हाथ ब्राइड ग्रूम के हाथ में दे देता है और इसके साथ साथ ही वो उन्हें उसे ये भी कहता है कि आप कभी फेल मत होइएगा मेरी डॉटर को हमेशा बहुत केयर कीजिएगा और वो इस चीज़ का प्रॉमिस भी ब्राइड ग्रूम से लेते हैं और उस प्रॉमिस को वो तीन बार रिपीट भी करवाते हैं कि आप मेरी बेटी का हमेशा ध्यान रखेंगे प्रॉपर केयर करेंगे द वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेरेमनी इज़ पानी ग्रहण पानी ग्रहण में क्या होता है ब्राइड ग्रूम जो है वो ब्राइड का हाथ पकड़ता है और वो एक दूसरे की जो ब्राइड होती है वो दोनों हाथ पकड़ के खड़े होते हैं और वो वेस्ट की साइड पे देखता है ब्राइड ग्रूम और जो ब्राइड होती है वो ईस्ट की साइड पे देखती है और वो दोनों कुछ वैदिक हिम्स को रिसाइट करते हैं जिसमें वो आपस में ये जो उनका आ, प्रोसीजर पूरा हो रहा होता है तो इसका ये पार्ट होता है कि उन्हें ये वैदिक हिम्स रिसाइट करनी है तभी उनका ये जो रिचुअल है ये कम्प्लीट होगा नेक्स्ट इज विवाह होमा इसमें क्या होता है अग्नि को पवित्र मानते हुए और आ, होली फायर के आसपास उसे एक सिंबल मानते हुए डिवाइन विटनेस का सिंबल मानते हुए उसे लिट किया जाता है और इस सेरेमनी में दोनों ब्राइड और ब्राइड ग्रूम जो हैं अग्नि को साक्षी मानते हुए उसके सामने कुछ एक दूसरे से प्रोमिस करते हैं जिन प्रोमिस को वो उम्र भर अपनी पूरी शादी में निभाने का वादा करते हैं द वेरी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इज सप्तपदी सप्तपदी में आ, ये बिलीव किया जाता है कि ये जो विवाह का मंडप होता है यहाँ पे ब्राइड ग्रूम जो है वो ब्राइड के साथ में सेवन स्टेप्स चलते हैं और ये कुछ इस टाइम पे कुछ hymns को recite कर रहे होते हैं और ब्राइड से ये पूछते हैं दोनों आपस में एक दूसरे से प्रोमिस करते हैं कि हम जो ये अपना हमारी जो मैरिज है हम इसे आखिरी दम तक निभाएंगे ये फाइनल स्टेप होता है इस स्टेप के बाद ही हस्बैंड वाइफ जो हैं वो मतलब बेसिकली ब्राइड और ब्राइड ग्रूम वो हस्बैंड वाइफ बन पाते हैं शादी इसी के बाद कंप्लीट होती है इन चारों हमारे स्टेप्स में सप्तपदी को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है और इस पर हमारा एक केस लॉ भी है मोदी वर्सेज मोदी जिसमें यह बोला गया है कि विवाह होमा और सप्तपदी बहुत एसेंशियल हैं और ये दोनों का होना बहुत जरूरी है बेशक इसमें पंडित हो या ना हो प्रीस्ट की प्रेजेंस होना नेसेसरी नहीं है उसके बाद मद्रास कोर्ट ने ये एक्सप्लेन किया था कि इसके साथ साथ कन्यादान भी बहुत एसेंशियल सेरेमनी है सप्तपदी को उन्होंने इनडिस्पेंसेबल कहा था ये बोला था कि अगर आप सारी सेरेमनीज करते हैं मैरिज में और सप्तपदी नहीं करते हैं तो वो मैरिज वैलिड मैरिज नहीं कहलाई जाएगी यहाँ पर एक एक्सेप्शन एक केस भी है जहाँ पर गंधर्वा मैरिज में कन्यादान ही एसेंशियल नहीं होता तो ऐसा इसीलिए भी आप कह सकते हो क्योंकि गंधर्वा तो लव मैरिज है लव मैरिज में पेरेंट्स का कंसेंट ही नहीं है जब पेरेंट्स का कंसेंट ही नहीं है वो वहाँ है ही नहीं तो बट ऑब्वियसली कन्यादान कैसे होगा ओके सो अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 फिफ्टी वर क्लासिफाइड इनटू थ्री फॉर्म्स वॉइड मैरिज वॉइडेबल मैरिज एंड वैलिड मैरिज void marriage comes under section 11 voidable marriage under section 12 and marriage valid marriage lays down the conditions under section 5 of Hindu Marriage Act 1955. So let us talk about these three kinds of marriages in detail. जो valid marriage होती है वो ये कहती है कि सारे जो हिंदुस हैं उनको marriage करना तो जरूरी होता है ये क्योंकि उनका एक essential संस्कार होता है तो हमें शादी तो करनी पड़ेगी ये एक essential चीज है दोनों हिंदूज़ होने चाहिए तभी वो हिंदू मैरिज कहलाएगी सारे राइट्स और सेरेमनीज़ जो हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म किए जाने चाहिए राइट्स और सेरेमनीज़ को डिवाइड किया गया है कुछ एसेंशियल हैं कुछ नॉन एसेंशियल हैं तो जो एसेंशियल वंस हैं वो तो ज़रूर होनी चाहिए शादी के टाइम पे ब्राइड का या ब्राइड ग्रूम का दोनों में से किसी का भी कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए ऑलरेडी उनकी किसी और जगह पर शादी नहीं हुई हुई होनी चाहिए वो वैलिड मैरिज नहीं होगी मेंटल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए जो गर्ल की एज है वो एटीन और अबव होनी चाहिए बॉय की एज ट्वेंटी वन और अबव होनी चाहिए किसी तरीके की सपिंदा रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए सपिंदा रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर ब्राइड की जो फादर की साइड से फाइव जनरेशन्स में उनका कोई किसी के साथ रिश्ता नहीं हो सकता और मदर की साइड से थ्री जनरेशन्स में उनका किसी के साथ रिश्ता नहीं हो सकता तो बेसिकली जो सपिंदा रिलेशनशिप होती है इसे सपिंदाज़ को कज़न्स मैरिज भी कहा जाता है तो इसीलिए इसका डायरेक्ट मतलब यह है कि कजन्स के बीच में मैरिज अलाउड नहीं होती किसी भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बीच में मैरिज नहीं होनी चाहिए जैसे कि ब्रदर एंड सिस्टर अंकल एंड नीस आंट एंड नेफ्यू सबसे मेन बात अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वैलिड मैरिज वही होगी जिसमें लड़का और लड़की दोनों का कंसेंट होगा कंसेंट नहीं है तो वो मैरिज वैलिड नहीं है देन कम्स वॉइड मैरिजेस सेक्शन इलेवन में आती हैं वॉइड मैरिजेस वॉइड मैरिजेस जो हैं वो सेक्शन फाइव के कुछ एस्पेक्ट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं इसमें ये क्योंकि वॉइड मैरिजेस जो होती हैं वो सोसाइटी के लिए भी हार्मफुल हैं वो नॉन एक्सेप्टेबल मैरिजेस हैं ये बेसिकली सोसाइटी के ऊपर एक बैड इम्पैक्ट छोड़ती हैं तो इसीलिए इस तरीके की मैरिजिज़ में आ, ये होनी नहीं चाहिए इन मैरिजिज़ में क्या होता है कि आप किसी के ऊपर जैसे आपकी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है तो वो मैरिज वॉइड है सपिंदा रिलेशनशिप में अगर शादी है तो वो मैरिड वॉइड मैरिज वॉइड है और अगर आपकी uh, आपकी शादी की एज ही नहीं है आपने आप माइनर हैं और आपने शादी कर ली आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप शादी कर सकते हैं तो वो मैरिज भी आपकी वॉइड कहलाएगी वॉइड मैरिजिज में बाईगैमी का केस कभी बन ही नहीं सकता क्योंकि जब आपकी शादी ही वॉइड है तो आप बाइगैमी का केस लगा कर कुछ कर ही नहीं सकते वो आपकी आप की जो शादी हुई है वो तो है ही वॉइड तो एक तरीके से ब्राइड और ब्राइडरूम दोनों फ्री हैं तो इसलिए यहाँ पे वॉइड मैरिजज में बायगेमी का केस कभी नहीं लगता देन कम्स वॉइडेबल काइंड ऑफ मैरिज सेक्शन 12 इसमें कुछ हमारे पास ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स को देखते हुए ये कहा जाता है कि अगर शादी के बाद या शादी से पहले ऐसा पता चलता है कि ये चीजें हैं तो वो रिश्ता टूट सकता है और आप कोर्ट में जा सकते हैं ये बोल सकते हैं कि इस मैरिज को आप वॉयडेबल करार कर दीजिए क्योंकि ये सेक्शन फाइव में जो कंडीशन लेड डाउन की गई हैं उसके अकॉर्डिंगली ये नहीं है जैसे इम्पोटेंसी इम्पोटेंसी में ये ध्यान रखना कि वॉयडेबल मैरिज में ये बोला गया है कि कंजमेशन नहीं होनी चाहिए कन्जमेशन का मतलब सिर्फ सेक्जुअल इंटरकोर्स से नहीं होता इसका मतलब होता है मेन मस्ट चीज़ जो होती है वो पेनिट्रेशन होती है अगर पेनिट्रेशन हो रही है देन इट इज़ ओके अगर पेनिट्रेशन नहीं है तो आप इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जा सकते हैं और आप मैरिज को वॉयडेबल करार करवा सकते हैं नेक्स्ट इज अनसाउंड माइंड इनसेन है बंदा तो अवॉइडेबल है मैरिज वैलिड कंसेंट ही नहीं था आ, ऐसा हो सकता है ना कि कंसेंट बाय फ्रॉड लिया गया हो या फोर्सिबली कंसेंट लिया गया हो तो भी आप जो है अवॉइडेबल मैरिज करार करवा सकते हैं देन प्री मैरिटल प्रेगनेंसी प्री मैरिटल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि शादी से पहले ही अगर लड़की प्रेग्नेंट है तो फिर आप शादी को जो है अवॉइडेबल करवा सकते हैं बता सकते हैं बट हाँ एक बात है कि आपको पता चल गया कि शादी से पहले ही लड़की प्रेग्नेंट थी उसके बाद आप विलिंगली लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं और फिर आप बोल रहे हैं कि ये तो पहले से ही प्रेगनेंट थी और मैं इसके साथ जो है ये शादी तो मेरी वैलिड नहीं है तो वहाँ पर कोर्ट आपके को आपको कॉपरेट बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि जब आपको पता था कि वो पहले से ही प्रेगनेंट है आपको उसके साथ शादी नहीं निभानी थी वो आपके अकॉर्डिंगली वो शादी वैलिड नहीं थी तो फिर आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स भी नहीं करना था तो उसके उस टाइम पे आपका ये जो ग्राउंड है आपसे छीन लिया जाएगा तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं कि फ़्रॉडुलेंट तरीके से जब किसी के साथ शादी की जाती है तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे आपने अपनी कास्ट छुपाई आपने अपना रिलीजन छुपाया आप इलजिटिमेट चाइल्ड हैं आपने अपनी इलजिटिमेसी छुपाई या फिर आपने कोई अपनी बहुत ही सीरियस इलनेस सीरियस इलनेस में आप जैसे कि ले लीजिए कि आपको प्लेग है या फिर कैंसर या एच एड्स है आपने ऐसी कोई सीरियस इलनेस छुपाई है तो वो भी एक ग्राउंड बन सकता है अवॉइडेबल मैरिजेस के लिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है हमारे पास अनुराग

शकुंतला वर्सेस ओम प्रकाश का केस जो है ये 1981 में दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड करा इस केस में ये बोला गया कि अगर ओकेजनली कभी ऐसा होता है कि आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स इनकम्प्लीट है तो उसे आप इंपोर्टेंसी का ग्राउंड लेकर के अवयडेबल मैरिज नहीं बता सकते हैं नेक्स्ट इज समर वर्सेज स्मिदा इसमें यह बोला गया है कि अगर आपका पार्टनर ये कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स में अ, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है या मुझे लेस प्रेजर प्लेजर मिल रहा है मैं मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है या मेरी नीड ज्यादा है तो तो ये कोई ग्राउंड नहीं है क्योंकि आप जो है ये अपने प्लेजर की डिग्री नहीं नाप सकते यहाँ पे और आप अपने प्लेजर के लिए और लेस सेक्सुअल प्लेजर की वजह से आप ये कोई ग्राउंड नहीं बना सकते हैं नेक्स्ट इज शिवांती वर्सेस भावराव 1971 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का केस है ये यहाँ पे ये बोला गया कि क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अवॉयडेबल मैरिजिंग मतलब अगर कंजूमेशन नहीं है पेनीट्रेशन नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है बट अगर यहाँ पे है कि चाइल्ड के बर्थ के लिए मतलब कैपेसिटी नहीं है इन कैपेसिटी है कि चाइल्ड को बर्थ नहीं दे सकते तो ये कोई ग्राउंड नहीं है क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स तो हो रहा है सो दैट इज़ मस्ट चाइल्ड का बर्थ देना या ना देना वो एक अलग मैटर है और वो वॉयडेबल मैरिज के लिए ग्राउंड नहीं है नेक्स्ट इज द केस ऑफ जी वर्सेज एम इसमें डॉक्ट्राइन की बात की गई है डॉक्ट्राइन ऑफ वॉन्ट ऑफ सिंसेरिटी ये इंग्लिश डॉक्ट्राइन है यहाँ पे ये बोला गया था कि अगर लड़का लड़की जो है उनकी एक दूसरे के साथ सहमति है और वो समझने के बाद यह सोच समझ के उन्होंने शादी कर ली कि चलो कोई बात नहीं तुम इंपोर्टेंट हो हम मैनेज कर लेंगे हम कोई बात नहीं उन्होंने ये ये एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग अपनी बैठा ली उसके बाद अगर वो शादी करते हैं तो फिर उसे वॉइडेबल नहीं समझा जाएगा तो इंग्लिश कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली जी वर्सेज एम केस में ये बोला गया कि इस तरीके की जो ये डॉक्ट्राइन के बेसिस पे जो मैरिजेस हैं वो इंडिया में भी एप्लीकेबल होंगी बट एस वर्सेस आर का केस जो नाइनटीन सिक्सटी वन का डेली हाईकोर्ट ने डिसाइड करा उन्होंने ये बोला कि नहीं बिल्कुल नहीं इस तरीके का कोई भी डॉक्ट्राइन जो है वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी सेक्शन ट्वेल्व में ये बात बोल दी है कि अगर इम्पोर्टेंसी है तो वो एक ग्राउंड है वॉयडेबल मैरिजेस का तो इसीलिए हमने ये चीज़ हाई कोर्ट ने इस चीज को अप्रूव नहीं करा नेक्स्ट इज द केस ऑफ राइस वर्सेस राइस इस केस में क्या बोला गया कि जो मैरिज है अगर वो फ्रॉडुलेंट बेसिस पे की गई है तो वो मैरिज जो है वो भी वॉयडेबल मैरिजेस का एक ग्राउंड है तो उसे भी यहाँ पर ग्राउंड समझा गया फ्रॉडुलेंट मैरिजेस में We have finished the topic of forms of marriage. I hope you like the video. Please keep supporting and please like my video. Comment below with your suggestions. Thank you.